लग रहा है कि बीजेपी उनको फिर से फंसाने का प्रयास कर रही थी जिसमें वो नहीं आई? देखिए, विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए जवाब मिल रहा है लोगों को, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में पेश होना था सशरीर। आपको बता दूं कि आरसीटी घोटाले मामले में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीबीआई पे कई ऐसे आरोप लगाए और कई ऐसी बातें कही थी। उसके बाद दिल्ली के कोर्ट में सीबीआई ने एक अपील दर्ज की थी और उस अपील में कहा था कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी जाए। उसके बाद आज कोर्ट में उन्हें पेश होना था। पेश होने के बाद आज उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के द्वारा उनकी जो जमानत याचिका खारिज करने की बात सीबीआई के द्वारा की जा रही थी, उस पर कोर्ट ने अंतिम मोहर लगाते हुए कहा कि जमानत याचिका खारिज नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बड़े भाई से जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज करने की जो बात सीबीआई कर रही थी, उस पर कोर्ट ने कह दिया कि जमानत खारिज नहीं की जाएगी, उस पर तेज प्रताप क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। देखो, बेल कंटिन्यू रखा गया है, क्या देखते हैं? जमानत रद्द नहीं किया गया, जमानत रद्द नहीं किया गया है सीबीआई कोर्ट। बहुत बड़ी राहत है। देखिए, हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि बीजेपी उनको फिर से फंसाने का प्रयास कर रही थी जिसमें वो नहीं आई? देखिए, विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए जवाब मिल रहा है लोगों को। हमने जो जिम्मेवारी लिया है, तेजस्वी जी ने जो जिम्मेवारी लिया है, उसको पूर्ण तरीके से हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का। चुनाव पर क्या लेकिन लेकिन तेजस्वी जी को कोर्ट ने कहा है कि जो बयान पहले दिए थे, इस तरीके का बयान मत दीजिए क्योंकि आप जिम्मेवार हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोर्ट जो भी निर्देश दिया है उसका मैं पालन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सुना आपने, सीधे तौर पर तेज प्रताप ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है कि तेजस्वी यादव की जो जमानत याचिका खारिज करने की बात कही जा रही थी, वो कोर्ट ने मोहर लगाते हुए कहा कि नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि विरोधी तो शुरू से हमारे पीछे लगे हुए हैं, इससे पहले हमारे पिता के पीछे लगे रहते थे, अब हमारे भाई के पीछे लगे हुए हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। महागठबंधन सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और जो लोग हमारे पीछे लगे हुए उसके लिए एक बड़ा मैसेज गया है कि जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला लिया है, ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। आपको बता दूँ कि तेज प्रताप यादव आज वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिया है। एक तरफ जहां महागठबंधन सरकार में लगातार ये कही जा रही थी कि रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने कहा था, तो अब जो रोजगार का मुद्दा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बीजेपी हमला बरती है रोजगार को लेकर, लेकिन महागठबंधन सरकार की तरफ से लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं हर विभाग में। शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार से हुई थी और आज वन एवं पर्यावरण विभाग में भी तेज प्रताप के द्वारा 53 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि ये हमारे लिए एक बड़ी राहत है। तो आपको फिर से बता दूँ कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका जो खारिज करने की बात हो रही थी, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए कहा कि उनकी जमानत याचिका खारिज नहीं की जाए। फिलहाल खबरों में बने रहेगा, विकल लेते हैं, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।